हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है सत्यम। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप म्यूज़िक प्लेयर के बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो लगाया है, तो आप कुछ इसी तरह से अपना भी फ़ोटो लगा सकते हैं म्यूज़िक प्लेयर के बैकग्राउंड में। और दोस्तों कोई भी देखेगा तो वो आपका दीवाना हो जाएगा, काफ़ी अच्छी लगने वाली है ये सेटिंग। आप करेंगे तो मतलब ये आपका मोबाइल का जो है वो डिज़ाइन ही बदल जाएगा, म्यूज़िक प्लेयर का जो डिज़ाइन है वो बदल जाएगा और काफ़ी अच्छी लगेगी। कोई भी देखेगा तो पूछेगा ज़रूर कि ये कैसे किया, कौन सा एप्लीकेशन है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस नए और इंटरेस्टिंग तरीके के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर की बटन है दोस्तों, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटे का बटन दोस्तों उस पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए रोज़ टिप्स और ट्रिक्स मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारा फ़ोन है और यहाँ पर एक एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप म्यूज़िक प्लेयर के बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहाँ से इस वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शेयर पर जाकर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप फेसबुक ये सब पर। और उसके बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर और इस बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि मैं जब भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कमेंट में एक कमेंट कर देना है म्यूज़िक यहाँ पर लिख कर और आपको कमेंट कर देना है। अगर दोस्तों ये आप करते हैं तो तभी आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन का लाभ उठा सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों उस एप्लीकेशन की ओर कि इसे यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे। ओके, ओपन करने के बाद दोस्तों ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर फोटो सेट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर 3 लाइन है। ओके, 3.3 लाइन, तो इस पर हमें चले जाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं सेट इमेज, यहाँ पर इस पर हमें आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ढेर सारे मतलब आपको बैकग्राउंड मिलेंगे, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं और अगर अपना फ़ोटो सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना कोई भी एक फ़ोटो चूज कर लेना होगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये फ़ोटो सेट कर ले रहा हूँ, तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर फ़ोटो सेट किया था तो यहाँ पर ये आ गया, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आप अपना फ़ोटो सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको 4 फ़ोटो सेट करना है, मतलब सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे 3.3 लाइन्स पे। उसके बाद यहाँ पर सेट टॉप बार इमेज, तो इसमें आपको जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको 4 फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 4 फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगा, ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर फिर से कोई एक और कर ले रहे हैं, जैसे कोई भी एक कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर साइन कर देना है यस। और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो जो है वो हमारा सेट हो गया। यहाँ पर सॉन्ग्स में दूसरा फ़ोटो रहेगा, आर्टिस्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपका दूसरा फ़ोटो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सॉन्ग्स में दूसरा था, आर्टिस्ट में और एल्बम में जो है ये दूसरा आ जाएगा और प्लेलिस्ट में जो है वो दूसरा आ जाएगा। और उसके बाद एल्बम में आएंगे तो दूसरा। तो यहाँ पर आपको 4 फ़ोटो मतलब सेट करेंगे तो इसमें मतलब कि चारों में आपको अलग अलग फ़ोटो सेट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो अब चलते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दिया है, तो आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर देख रहे हैं एरो है तो इसमें चले जाना है और यहाँ पर ऐप लिंक है, यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के पास चले जाएँगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ से दोस्तों आप हमें
ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं, तो आप हमें फॉलो कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और यहाँ पर ऐप लिंक है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड होने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह से जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हम कॉमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर।